नमस्कार बेसिक गणित अभ्यास फर्स्ट पहले दिन की क्लास में आपका स्वागत है दी गई संख्याओं की दहाई इकाई लिखिए। हमारे पास एक संख्या है तिरपन इस तिरपन में हमें देखना है कि सबसे दाएं से ये जो पहला अंक है यह कहलाता है इकाई यहाँ देखिए दाएं से पहला अंक क्या है तीन है और तीन है हमारा इकाई तो हमने लिख दिया इकाई बराबर तीन और ये जो दूसरा अंक है दाएं से ये जो दूसरा अंक है ये कहलाता है दहाई दस है दूसरा याद रखें तो ये कहलाएगा दहाई और ये है हमारा यहाँ पर पाँच इसी प्रकार दूसरी संख्या लेते हैं आ, हमारे पास अब संख्या है सिक्सटी टू सिक्सटी टू में हम देखिए तो टू यहाँ पर इकाई में है ये देखिए इकाई में टू है और सेकंड वाली संख्या यानी दहाई में छः है अगली संख्या लेते हैं फोर्टी सेवन या 47, 47 में इकाई अंक है सात और दहाई का अंक है चार तो इकाई का अंक सात और दहाई अंक चार अगली संख्या है नाइन्टी सेवन संतानवे ये संतानवे में हम देखेंगे तो इकाई पर हमें क्या मिल रहा है पहला वाला अंक दाएं से पहला वाला अंक है सात तो इकाई का अंक है यहाँ पर सात और दूसरा अंक है नौ यानी दहाई का अंक यहाँ पर है नौ फिर अगली संख्या है पच्चीस ट्वेंटी फाइव तो इसमें इकाई का अंक है यहाँ पर पाँच और दहाई का अंक है दो तो बड़ी ही आसानी से हम इकाई का अंक और दहाई के अंक का पता लगा पा रहे हैं आगे देखिए अगली संख्या है हमारी सोलह सोलह में इकाई का अंक है छः ये देखिए पहला अंक इकाई का अंक छः और दूसरा अंक दहाई का अंक है यहाँ पर एक अगली संख्या है अठहत्तर या सेवेंटी एट अठहत्तर में ये पहला अंक इकाई का अंक कहलाएगा इकाई का अंक यहाँ पर है आठ और जो दूसरा अंक है वो दहाई का अंक कहलाएगा अर्थात दहाई का अंक है यहाँ पर सात अगली संख्या है अठासी अठासी में इकाई का अंक भी आठ है और दूसरा अंक अर्थात दहाई का अंक भी आठ ही है अब लेते हैं हमारी अगली संख्या यहां पर है संख्या चौसठ चौसठ में इकाई का अंक है चार ये देखिए पहला अंक इकाई का अंक है चार और ये दूसरा अंक है दहाई का अंक दहाई का अंक है यहाँ पर अब हमें यह देखना है अभ्यास दो में स्थानीय मान के बारे में जानकारी लेना है बत्तीस में अंकों का स्थानीय मान है है यानी किस स्थान पर तो देखिए में हम देख रहे हैं ये देखिए ये पहला इकाई का अंक कौन है दो है यानी दो का स्थानीय मान दो में जब इकाई यानी एक का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दो का मान दो ही होगा जबकि यहाँ पर तीन दहाई पर है तो दहाई के अंक के साथ दस का गुणा होता है अर्थात तीन धाम तीस तो दहाई के अंक यहाँ पर दहाई के अंक तीन का स्थानीय यहाँ पर तीस या हम यूं कह दें कि इकाई के अंक को जैसे का वैसा लिख दें हम तो दो का मान दो लेकिन दहाई के अंक का स्थानीय लेने के लिए दहाई का अंक तीन और उसके बाद एक संख्या है इसलिए एक शून्य हम लगा देंगे जितनी संख्या होती हैं किसी भी अंक के बाद जितनी संख्या होती हैं उतने हम शून्य लगाते जाएं तो उस अंक का स्थानीय मान निकल जाता है अब लेते हैं अठहत्तर तो 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 में अंकों का स्थानीय मान तो अठहत्तर में आठ का आठ इकाई में है तो आठ का स्थानीय मान तो आठ ही होगा लेकिन यहाँ पर दहाई में सात है तो दहाई के अंक में एक शून्य हम लगा देंगे क्योंकि उसके बाद एक संख्या हो एक अंक होता है इसलिए दहाई के सात का मान हो जाएगा सत्तर तो सात का स्थानीय क्या होगा सत्तर होगा इसी प्रकार छप्पन के अंकों का तो छप्पन में इकाई में छह है तो छः का स्थानीमान छह और लेकिन पांच का स्थानीय क्या होगा पांच के बाद एक और अंक है तो पांच का स्थानीय हो जाएगा पचास पांच का मान हो जाएगा पचास इसी प्रकार इकसठ है इकसठ में इकाई के अंक एक का स्थानीय मान तो एक होगा लेकिन छः का स्थानीय मान छः के बाद एक अंक है इसलिए छः का स्थानीय मान साठ होगा जितने अंक होते हैं संख्या के बाद हम उतने शून्य लगा देते हैं तो वही उसका स्थानीय मान होता है पैंसठ में अंकों का स्थानीय मान हमें देखना है तो पाँच का स्थानीय मान तो पाँच होगा लेकिन यहाँ छः का स्थानीय मान छः और उसके बाद एक संख्या है तो एक शून्य तो छः का स्थानीय मान साठ होगा इसी प्रकार पच्यासी में अंक पाँच का स्थानीय मान पाँच होगा और अंक आठ का स्थानीय मान होगा आठ के बाद एक संख्या है तो एक शून्य हम लगा देंगे या यूं कहें कि दहाई के अंक में दस का गुणा करने पर भी स्थानीय अब हमारे पास छियानबे है छियानबे में इकाई का अंक छः है तो छ का स्थानीय छः हो जाएगा किंतु दहाई का अंक नौ है इसलिए नौ का स्थानीय नौ गुणा दस अर्थात नब्बे हो जाएगा यहाँ हम देखेंगे बेसिक गणित का अभ्यास तीन 21 से 30 तक की संख्याओं को बिंदुओं के द्वारा स्पष्टीकरण किया गया है कि देखिए हमें 21 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 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 के हमने दो बंडल तैयार कर लिया तो दस और दस हो गया बीस और एक सिंगल बिंदी मिलकर हो गई कुल कितनी बिंदियां बन गई इक्कीस बिंदिया बन गई तो दस दस के दो बंडल यानी दो दहाई दहाई कितनी होंगी दो दहाई और एक इकाई से मिलकर बना है इक्कीस दहाई और दो दहाई दो दहाई और दो इकाई से मिलकर बना है बाईस यानी इकाई में दो और दहाई में दो दस दस के मानों को हम दहाई बोलते हैं तो इकाई में दो और दहाई में दो मिलकर क्या बना बाईस इसी प्रकार अब देखते हैं तेईस कैसे बना दो दहाई देखिए ये भी दहाई है दस दस के दो बंडल हैं, तो दस दस के दो बंडल को हम बोलेंगे दो दहाई और तीन सिंगल बिंदियां हैं, तो तीन इकाई मिलकर बना तेईस इसी प्रकार दस दस के दो बंडल और चार सिंगल बिंदियां मिलकर बना दस दस के दो बंडल से दो दहाई और चार सिंगल बिंदियों से मिलकर बना है चार तो इकाई इस प्रकार निर्मित हुआ चौबीस अब देखिए दस दस के दो बंडल हैं यहाँ पर हमारे पास तो दो दहाई और ए सिंगल वाले पांच हैं तो इकाई पांच हैं तो हमने दहाई में दो लिख दिया और इकाई में पांच लिख दिया तो बनकर तैयार हुआ पच्चीस इसी प्रकार दो दहाई ये देखिए दो दहाई और छः इकाई मिलकर देखिए दहाई में दो और इकाई में छः मिलकर बनता है दो दहाई और छ इकाई मिलकर बनता है छब्बीस इसी प्रकार दो दहाई और सात इकाई मिलकर बनता है सत्ताईस दो दहाई और सात इकाई मिलकर बना सत्ताईस फिर अब दहाई में दो ये देखिए दो दस दस के बंडल हैं तो दो दहाई और आठ इकाई मिलकर बना अट्ठाईस दो दहाई धन आठ इकाई बराबर अट्ठाईस अब देखिए दस दस के दो बंडल हैं तो दो दहाई और नौ खुली तीलियां हैं खुली बिंदियां हैं तो हम उन्हें बोलेंगे नौ इकाई तो दो दहाई और नौ इकाई मिलकर बन जाएंगे उनतीस अब हम लेंगे अंतिम यहाँ पर देखिए दस दस के तीन मंडल हैं अर्थात अब दहाई में कितना हो जाएगा तीन तो दहाई में हो गया तीन जबकि इकाई में एक भी बिंदु नहीं है तो इकाई में रहेगा शून्य तो तीन दहाई और शून्य इकाई मिलकर बन जाएगा तीस या हम सीधे कह देंगे तीन दहाई के तीस इस प्रकार हम 21 से 30 तक की संख्याओं को बिंदु के माध्यम से समझ पाए अब हम आगे संख्याएं इसी प्रकार लिखना सीखेंगे कि इकतीस से चालीस तक की संख्याएं कैसे लिखेंगे तीन दहाई और एक इकाई मिलकर इकतीस बना तीन दहाई दो इकाई मिलकर बत्तीस तीन दहाई तीन इकाई तो तैंतीस तीन दहाई चार इकाई चौंतीस तीन दहाई पाँच इकाई पैंतीस तीन दहाई छः इकाई छत्तीस तीन दहाई और सात इकाई सैंतीस फिर दहाई में तीन और इकाई में आठ है तो अड़तीस दहाई में तीन और इकाई में नौ है तो उनचालीस दहाई में चार और इकाई में शून्य होने से चालीस बनता है इसी प्रकार हम इकतालीस से पचास तक की संख्याओं को भी ले सकते हैं इकाई को भी हम पहले ले सकते हैं तो देखिए हम यहाँ पर लेंगे जैसे एक इकाई और चार दहाई चार दस दस के चार बंडल और एक एक का एक बंडल तो हम बोल देंगे चार दहाई एक इकाई या एक इकाई चार दहाई मिलकर बना इकतालीस फिर चार दहाई दो इकाई बयालीस चार दहाई तीन इकाई तिरीस चार दहाई और चार इकाई मिलकर चौवालीस बना चार दहाई पाँच इकाई मिलकर पैंतालीस चार दहाई छः इकाई छियालीस चार दहाई सात इकाई सैतालीस चार दहाई आठ इकाई अड़तालीस चार दहाई और नौ इकाई मिलकर उनचास और पाँच दहाई के पचास होता है इसी प्रकार इक्कावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अंठावन उनसठ साठ हम निर्मित करेंगे इसी प्रकार हम निर्मित करेंगे इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ उनहत्तर और सत्तर इसी प्रकार सात दहाई और एक इकाई से मिलकर बना है इकहत्तर सात दहाई दो इकाई से मिलकर बना है बहत्तर इसी प्रकार बने हैं तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उन्यासी और अस्सी आगे हम देखते हैं आठ दहाई और एक इकाई को मिला देंगे तो इक्यासी बनेगा आठ दहाई और दो इकाई को मिलाएंगे तो बयासी बनेगा इसी प्रकार निर्मित होता है तिरासी चौरासी पचासी छियासी सत्यासी अट्ठासी नवासी और नब्बे आगे हम लेते हैं नौ दहाई और एक इकाई मिल गया तो बन गया इनकानबे नौ दहाई दो इकाई मिल गया तो बन गया बानबे इसी प्रकार तिरानबे चौरानबे पंचानबे छियानवे संतानबे अंठानवे निन्यानबे और यहाँ पर निर्मित होता है सौ तो हम बोल देंगे दस दहाई के सौ बोल देंगे या फिर दस दहाई को हम बोल देंगे एक सैकड़ा एक देखिए सैकड़े के स्थान पर है बाकी संख्याएं शून्य है आगे हम लेते हैं बेसिक अभ्यास अभ्यास क्रमांक चार प्रसारित रूप या तोड़कर लिखना आगे हम लेते हैं बेसिक गणित का अभ्यास चार प्रसारित रूप या तोड़कर लिखना तो कैसे प्रसारित करेंगे देखिए 27 है तो सत्ताईस में हम देखते हैं कि दो दहाई और सात इकाई है तो दो दहाई मतलब दो के बाद एक संख्या है तो एक शून्य लगा देंगे तो बीस और इकाई में सात है तो सात दहाई के अंक के साथ तो एक शून्य लगता ही है, हमें पता है इसी प्रकार 34 है तो 34 में तीन दहाई है तो तीन के हो गया और ये चार इकाई है तो चार लिख दिया धन चार तो 34 को हम प्रसारित करके तीन धन चार नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे तीस धन चार लिखेंगे इसी प्रकार 45 को प्रसारित करेंगे तो चार दहाई है इसलिए चार शून्य चार के बाद शून्य लगा देंगे चालीस बन जाएगा और पाँच इकाई तो चालीस धन पाँच मिलकर बना पैतालीस फिर अंठावन है तो पाँच दहाई में है तो पाँच और उसके बाद एक संख्या है तो एक शून्य तो हो गया पचास पचास धन आठ मिलकर बना अंठावन इसी प्रकार उन्नीस है उन्नीस में देखिए दहाई में एक है और उसके बाद एक संख्या है तो एक शून्य लगा दिया तो दस हो गया और धन नौ इकाई में है तो नौ जैसे का वैसा लिख देंगे इस प्रकार हम प्रसारित करके संख्याओं को लिख सकते हैं आगे हम देखते हैं कि यदि हमने प्रसारित किया है संख्याओं को कि जैसे छिहत्तर है तो छिहत्तर क्या है सात दहाई और छः इकाई है इसका मतलब सत्तर धन छ है सत्तर धन छः है तो हमें उससे लिखना पड़ेगा कि सात दहाई और छः इकाई है पैंसठ को हम क्या लिख सकते हैं साठ धन पांच लिख सकते हैं दहाई में छः है तो छः के बाद एक संख्या तो एक शून्य लगा दिया साठ धन पांच तो छः दहाई और पांच इकाई है संतानबे क्या है नब्बे धन सात संतानवे को प्रसारित कैसे लिखेंगे इकाई का अंक सात हो गया और दस दस के नौ बंडल हो गए तो नब्बे धन सात मिलकर बना नौ दहाई और सात इकाई दस दस के नौ बंडल है इसलिए नौ दहाई और सात इकाई ऐसे ही बना है त्रासी त्रासी में अस्सी धन तीन हमने लिख दिया अस्सी में कितने दहाई हैं आठ दहाई हैं और तीन इकाई हैं पचपन को हमने लिखा पचास धन पाँच तो पाँच दहाई और पांच इकाई हैं अब हमें देखना है कि बेसिक गणित अभ्यास पाँच तालिका में लिखी संख्या के ठीक पहले की संख्या लिखना है हमें तो ठीक पहले की संख्या कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं जैसे हमारे पास पहली संख्या है अंठावन तो पाँच दहाई और आठ इकाई है तो अब हमें लिखना है उससे ठीक पहले की संख्या यानी पाँच दहाई और सात इकाई फिर है हमारे पास नाइन्टी थ्री नाइन्टी थ्री में हमारे पास क्या है देखिए नौ दहाई और तीन इकाई है तो उससे ठीक पहले की संख्या क्या हो जाएगी नौ दहाई और दो इकाई हो जाएगी यानी बानबे हो जाएगी इसके बाद की संख्या है हमारे पास सत्यासी सत्यासी के देखिए सत्यासी से ठीक पहले की संख्या क्या होगी आठ दहाई और 6 इकाई अर्थात होगी इसी प्रकार हमारे पास अगली संख्या है पैंतीस पैंतीस के ठीक पहले की संख्या होगी तीन दहाई और चार इकाई वाली संख्या होगी अर्थात चौंतीस होगी इसी प्रकार चौसठ है तो चौंसठ में देखिए चौंसठ से ठीक पहले की संख्या क्या होगी चौंसठ से ठीक पहले की संख्या छह दहाई और तीन इकाई अर्थात तिरसठ होगी अब अगली संख्या है अस्सी अस्सी से ठीक पहले की संख्या देखिए आठ दहाई है इसमें और शून्य इकाई है तो अब हमें इससे ठीक पहले की संख्या यानी इसके ऊपर जाना पड़ेगा तो सात दहाई हो जाएंगे और नौ इकाई यानी उन्यासी होगी अगली संख्या इससे एक ठीक पहले की संख्या उन्यासी होगी अब आगे हम लेते हैं आगे हमारी संख्या है अठहत्तर अठहत्तर से ठीक पहले की संख्या देखिए सात दहाई और सात ही इकाई यानी सतर होगी और सत्तर से ठीक पहले की संख्या क्या होगी देखिए सत्तर से ठीक पहले की संख्या यानी छह होगा दहाई में और नौ हो जाएगा इकाई में क्योंकि बंडल जब पूरा होता है तब सत्तर बनता है उससे एक तीली कम कर देंगे तो दहाई और नौ इकाई बन के तैयार होंगे इसी प्रकार अंठानबे अंठानबे से ठीक पहले की संख्या हो जाएगी संतानबे नौ दहाई और सात इकाई बहत्तर से ठीक पहले की संख्या हो जाएगी इकहत्तर तो सात दहाई और एक इकाई अब देखते हैं अगली संख्या अगली संख्या है हमारी अट्ठासी अठासी में देखिए अठासी में क्या है अट्ठासी में है हमारा आठ दहाई और इससे ठीक पहले की संख्या हम लेंगे तो आठ हो जाएगी दहाई और सात हो जाएगी इकाई अगली संख्या है हमारी चालीस तो चालीस से ठीक पहले की संख्या क्या हो जाएगी देखिए उनचालीस अर्थात तीन दहाई और नौ इकाई इस तरह से हम संख्याओं को लिख सकते हैं आगे हम लेंगे तालिका में लिखी संख्या के ठीक बाद की संख्या लिखिए अब हमें तालिका में लिखी जो संख्या है उसके ठीक बाद की संख्या लिखना है जैसे हमारे पास है सात दहाई और आठ इकाई अर्थात अठहत्तर है अठहत्तर के ठीक बाद की संख्या सात दहाई और नौ इकाई होगी उन्यासी होगी अगली संख्या है फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन के ठीक बाद की संख्या हो जाएगी जब बंडल पूरे बन जाएंगे तो छ दहाई और शून्य इकाई मतलब साठ हो जाएगी नब्बे के ठीक बाद की संख्या होगी नब्बे और एक इनका नब्बे में नौ दहाई मात्र था लेकिन अब हमें एक इकाई में मिल जाएगा तो नब्बे और एक नब्बे। तैतीस के ठीक बाद की संख्या हो जाएगी चौतीस और सैतालीस के ठीक बाद की संख्या क्या हो जाएगी चार दहाई और सात इकाई के में एक और इकाई जुड़ जाएगी तो आठ इकाई मतलब अड़तालीस हो जाएगा अब देखिए चौरासी में क्या है आठ दहाई और चार इकाई है तो अब इससे एक ठीक बात की संख्या हो जाएगी आठ दहाई और पांच इकाई इस प्रकार पचास बन जाएगा अब हम लेते हैं अगली संख्या छियासी के ठीक बात की संख्या हो जाएगी सत्यासी इक्कीस के ठीक बात की संख्या एक तीली और बढ़ जाएगी तो दहाई में दो तो और इकाई में भी दो बाईस हो जाएगी चौसठ के एक ठीक बात की संख्या हो जाएगी छः दहाई और पाँच इकाई अर्थात पैंसठ हो जाएगी सत्तर के ठीक बाद की संख्या क्या होगी सत्तर में जब हम एक मिला देंगे तो प्राप्त होगा इकहत्तर सत्तर के ठीक बाद की संख्या हो जाएगी इकहत्तर इसी प्रकार उनचालीस थर्टी नाइन के ठीक बाद की संख्या हो जाएगी फोर्टी चालीस और निन्यानबे के ठीक बाद की संख्या होगी सौ निन्यानबे के ठीक बाद की संख्या क्या हो जाएगी सौ हो जाएगी इस प्रकार हमारा यहाँ पर निन्यानबे के ठीक बात की संख्या हम लिख देते हैं क्या हो जाएगी सौ हो जाएगी अब दी गई संख्या के बीच की संख्या हमें लिखना है तो दी गई संख्या के बीच की संख्या कैसे लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले हमें लेना है यहाँ देखिए सत्यासी में आठ दहाई सात इकाई है जबकि नवासी है ये नवासी में आठ दहाई और नौ इकाई है तो सात और आठ के बीच में आठ दहाई तो हम लिख ही देंगे और सात और आठ सात और नौ के बीच में क्या आएगा आठ इकाई तो आठ दहाई और आठ इकाई मिलकर हो जाएगा अठासी हम इसे पढ़ लेंगे सत्यासी अठासी नवासी बिल्कुल सही आया फिर देखिए फिफ्टी नाइन है फिफ्टी नाइन में जब हम एक बिंदी मिला देंगे तो कितनी बिंदी हो जाएंगी साठ बिंदी हो जाएंगी दो दहा छह दहाई के साठ हो गया और हम इसे पढ़कर भी देख लेंगे कि उनसठ साठ और एक इकसठ बिल्कुल सही है अब इकतीस में जब हम एक बिंदी मिला देंगे तो कितना हो जाएगा बत्तीस हो जाएगा बत्तीस के बाद आएगा तैतीस फिर पैंतालीस में जब हम एक बिंदी मिला देंगे तो हो जाएगा छियालीस छियालीस के बाद प्राप्त होता है सैतालीस इसी प्रकार बाईस में जब हम एक बिंदी मिला देंगे तो दो दहाई और तीन इकाई हो जाएगा मतलब तीस तीस के बाद आएगा चौबीस इसी प्रकार तिरसठ में जब हम एक बिंदी मिला देंगे तो प्राप्त होगा चौंसठ और चौंसठ के बाद बनेगा पैंसठ इस प्रकार हम बीच की संख्या लिख सकते हैं तो आज की क्लास यही समाप्त होती है धन्यवाद